नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर हैरी, यहाँ पर अपन कर रहे थे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट या इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट या आईए का जो एग्जाम था उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। अपन ने सी को खत्म कर दिया। देखिए, सी को मैंने इसलिए डी में पढ़ाया था क्योंकि सी में से 80% क्वेश्चन आएंगे, जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे अपने सी सी प्लस प्लस जावा HTML में से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा अपना सी लैंग्वेज का। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं तो समझ लो कि 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे सी लैंग्वेज के। अगर 15 टोटल क्वेश्चन आते हैं प्रोग्रामिंग के, 8 से 10 सी लैंग्वेज के आएंगे, एक एक दो दो जावा में से आएगा, 3, 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं वो HTML में से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सी में से डीप में से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से ज्यादा डीप में से नहीं आएंगे, बट इंट्रोडक्शन में से नहीं, इंट्रोडक्शन से थोड़ा अंदर जाएंगे वो। और सी प्लस प्लस और जावा में से सिर्फ इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल जनरल क्वेश्चन आएंगे। तो अपन सी सी की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, 10 वीडियो बना के एक ही वीडियो में इसको अपन खत्म करेंगे। उसके बाद जावा पढ़ेंगे, उसके बाद HTML पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके 30 तारीख से पहले पहले पूरा सिलेबस हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है, एक सुपर स्क्रिप्ट है या सबसेट है या सुपर सेट है। कहने का मतलब यह है कि बी लैंग्वेज में से सी बनी, यानी पहले जो बी लैंग्वेज थी बेसिक, बी में से कौन सी बनी, सी। यानी बी लैंग्वेज में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए और उन इंप्रूवमेंट्स के साथ जो नई लैंग्वेज बनी उसको क्या नाम दिया, सी। सी लैंग्वेज में भी कुछ कमियां थी, यानी सी लैंग्वेज में जब अपन बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते थे तो बड़े प्रोग्राम्स की वजह से प्रोग्राम अपना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। कई सारे फीचर्स भी ऐसे थे उनको देखते हुए प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी और फिर प्रोग्राम को टैकल करना, हैंडल करना, डिबग करना, एरर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसलिए उस वक्त 1980 के टाइम पर एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोग्रामर कह सकते हो उनको, और अमेरिका की AT&T लैब में वो काम कर रहे थे Simula 67 लैंग्वेज पर। कौन सी लैंग्वेज पर, Simula 67। याद रखना, Simula 67 का क्क्वेश्चन 101% पूछा जाता है कोई सा भी एग्जाम हो। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी थी। ऑप्शन में दे देगा आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, वो कई तो 50% तो आंख बंद करके जावा ठोक देंगे, बचे हुए सी प्लस प्लस। और बहुत कम बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो Simula 67 को टिक करके आएंगे। तो उस टाइम जब जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जान स्ट्रॉब, इन्होंने क्या किया, सिमुला 67 पर काम कर रहे थे जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सी में मैं इंप्लीमेंट कर दूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को, तो एक नई लैंग्वेज इन्वेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सी अपने आप में बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज थी, बहुत ईजी लैंग्वेज थी, और सिमुला थोड़ी सी टफ थी। तो उन्होंने सोचा सिमुला के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं क्यों ना मैं उनको सी में मिला दूं, फिर एक नई लैंग्वेज बनेगी उसको नया नाम देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने 1980 में सिमुला के कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सी लैंग्वेज में जोड़ दिया और सी से नई लैंग्वेज बनी। तो देखिए, बी से सी बनी, सी से क्या होनी चाहिए थी, डी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, सी को सी प्लस प्लस, एक्चुअल में इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, याद रखना, सी प्लस प्लस, यानी सी का इंक्रीमेंट, सी का विकास होके सी प्लस प्लस बनी। ठीक है, तो अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम जनरल क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में कवर हो जाएं, अप्रोक्स 100 की समथिंग क्वेश्चंस। अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएंगे तो मैं एक कम्युनिटी टैब में स्पेशल डालता रहता हूँ, उसमें मैं सी प्लस प्लस के कुछ डाल दूंगा फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% जहाँ अपन जो पढ़ेंगे उसी में से आएंगे, थोड़ा सा फोकस कर लेना। सबसे पहले इन्वेंट कब हुई थी, ये 1980 में। ठीक है, और किसने इन्वेंट की थी, जान स्ट्रॉब ने। ठीक है, कौन सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, सिमुला 67। सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है, तो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, और सी प्लस प्लस सुपर सेट है किसका, सी लैंग्वेज का, यानी सी लैंग्वेज का और ज्यादा विकसित रूप क्या है, सी प्लस प्लस। सी और क्वेश्चन पूछ ले की कॉन्सेप्ट क्या होता है सी प्लस प्लस का, तो उसमें ऑप्शन दे दे फंक्शंस, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन, तो आपको क्लास ठोक के आना है उसमें, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो की कॉन्सेप्ट है, मेन जो
फीचर है वो क्या है, क्लास, ठीक है। और सी प्लस प्लस कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली और स्मूथली हैंडल कर लेती है, जो कि सी नहीं कर पाती थी। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं अपन। सी का फीचर है क्लासेस होती हैं इसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग होती है इसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है इसमें, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, टेम्पलेट होते हैं इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है इसमें, डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है ही। इन सबको जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है और इनहेरिटेंस है, इनके बारे में अपन डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पहले पहले जनरल जो की कॉन्सेप्ट है, जहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें डीप मेश क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, 0 से 2। हो सकता है सी में से एक भी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है सी में से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, तो इनमें से 1-2-3 तक का ही रेशियो रहता है, ठीक है। तो अपन को जनरल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे ये जो है सिमुला 67, ये नेट से लेके और आईबीपीएस आईटी जितने भी आईटी एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है। और अपन जनरल जो इसके फैक्ट्स हैं उनको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब अपन डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस के और क्या मेजर और माइनर जो भी फैक्ट्स हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ये इस साइड मैंने सी का ब्लॉक बनाया है, इस साइड मैंने सी प्लस प्लस का ब्लॉक बनाया है, ठीक है। तो देखिए सी में तो हम डॉट सी एक्सटेंशन से हमारा प्रोग्राम सेव होता था, लेकिन सी प्लस 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 में हमारा डॉट सी पी पी एक्सटेंशन से हमारा प्रोग्राम सेव होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अपन एस टी डी आई ओ डॉट एच यूज करते थे, इसमें हम आई ओ स्ट्रीम डॉट एच यूज करते हैं। आई ओ स्ट्रीम डॉट एच का पूरा नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, ये इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होती थी, इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें प्रिंट एफ यूज करते थे। देखिए इसमें बहुत से ये प्रोग्राम अपना, इसमें दो वैल्यू है मान लीजिए, एक इंटीजर टाइप की और एक फ्लोट टाइप की, तो दोनों का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है और फ्लोट के लिए परसेंट एफ होता है। तो ए और बी दो वैल्यू है, मान लीजिए ए तो क्या है इंटीजर और बी क्या है हमारा फ्लोट, उसको प्रिंट कैसे कराते थे अपन, परसेंट डी परसेंट एफ ए कॉमा बी, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में हम कैसे कराएंगे, सी आउट, क्या लिखेंगे सी आउट, और ये ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर ए की वैल्यू, फिर ऑपरेटर, फिर बी की वैल्यू। यहाँ पर ये ऑपरेटर क्या है, इनको अभी थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए भूल जाओ, है ना। अगला देखिए स्कैन एफ, स्कैन एफ में हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए, एम परसेंट लगा के ए, एम परसेंट लगा के बी, दोनों की वैल्यू को अपन इनपुट करा देते थे। इसमें हम क्या करते हैं, सी इन लिखते हैं, ऊपर सी आउट और स्कैन एफ की जगह पर सी एन, तो सी एन के साथ हम जस्ट अपोजिट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी। तो इस वाले ऑपरेटर को, इसको दोनों को अभी समझाऊंगा, एक सेकंड तसल्ली रखना। वेरिएबल लेंथ सी में होती थी 32 कैरेक्टर तक की, ठीक है। सी प्लस प्लस में कोई लिमिट नहीं है वेरिएबल नेम की, कितना भी लंबा लिखो। और सी में अपने टोटल जो कीवर्ड्स होते थे वो 32 होते थे, और सी प्लस प्लस में हमारे टोटल कीवर्ड्स 63 होते हैं, क्योंकि 32 तो सी वाले 31 नए बना दिए, तो 63 टोटल कीवर्ड्स यूज होते हैं, याद रखना है, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसी में से जनरल क्वेश्चन सब पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ऑपरेटर था और ये ऑपरेटर, तो देखिए ये वाला जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं बिट वाइज, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सी आउट वाले ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो लेफ्ट शिफ्ट की जगह इसको क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट। तो ये जो वाला है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोनों, ये वाला क्या होगा, इज अ बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्सेशन ऑपरेटर, ठीक है। अब देखिए एक नई चीज और है इसमें, अगर हम किसी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर दोनों ऑपरेटरों को यूज कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को बिटवाइज वाले को और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर को, यानी इंसर्शन और एक्सेशन दोनों ऑपरेटर को एक ही सिंगल स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, कैस्केडिंग, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो इस तरीके से अपन ने इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया एक तरीके से,
अब चलिए आगे चलते हैं, वहां पर और डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। तो दोस्तों कुछ और फीचर है C++ के, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए इन C++ मेन फंक्शन रिटर्न एन इंट टाइप वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जब अपन सी में यूज करते थे तो वर्ड को यूज करते थे, तो वर्ड लगा देते थे मेन के आगे, तो क्या होता था, नल रिटर्न करता था वो एक तरीके से। और यहाँ पे C++ में जो मेन फंक्शन होता है रिटर्न एन इंट टाइप वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट टाइप की वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है, यानी कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। सो एवरी मेन, यानी हर मेन फंक्शन इन C++ should end with a return। और अगर मेन फंक्शन यूज हुआ है C++ प्रोग्राम में, वो तो होता ही शुरू में एग्जीक्यूशन को बताने के लिए, तो वो एंड भी रिटर्न लिखते हैं ना एंड में, रिटर्न ब्रैकेट में जीरो, यानी रिटर्न जीरो, जीरो टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की, ठीक है, तो वो रिटर्न भी लिखना पड़ेगा अपन को। यानी एंड किससे होगा, वो रिटर्न से, स्टार्ट किससे होगा, मेन से। दूसरी चीज, इंट इज डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फॉर ऑल फंक्शंस इन C++। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, तो आपको बताना है कि इंट डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है C++ में। We can still use printf for displaying output। तो दोस्तों किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ईमेल करके कि सर हम printf को यूज कर सकते हैं क्या C++ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इवन 90% लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि C++ में printf को यूज कर सकते हैं सी आउट की जगह, ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट। यानी देखो सी में और C++ में, इसमें printf यूज करते थे उसमें सी आउट यूज करते थे, इसमें scanf यूज करते थे उसमें cin यूज करते हैं C++ में। लेकिन printf को भी अपन, printf जबकि c का है, C++ में printf को भी यूज कर सकते हैं सी आउट की है, ठीक है, इसको दिमाग से निकाल देना कि सी आउट यूज होता है, इसको printf भी कर सकते हैं, पर अपन करते इसलिए नहीं है क्योंकि सी आउट इसलिए यूज करते हैं जिससे C++ की जो स्पिरिट है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अगला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, AT&T। देखो मोस्ट ऑफ जितने भी आईटी का हो, प्रोग्रामिंग का हो, बहुत सारे आविष्कार जो हुए वो AT&T लैब, बेल लैब USA में हुए। तो AT&T का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, याद रखना इसको भी, ये अच्छा क्वेश्चन है। C++ इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, याद रखना C++ भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे क्लास, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इनको अपन इस वीडियो के बाद, मेरी एक पुरानी वीडियो कंटिन्यू चलेगी, जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना इसके ऑटोमेटिक चलेगी, उसमें मैंने बहुत पहले बताया था इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन, और उसमें से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये फंडे क्या है, से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए एक C++ का अच्छा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया C++ का ऑलमोस्ट, एक प्रोग्राम से देख और लेते हैं कि C++ भी कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए अपन ने एक C++ का सिंपल प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उस प्रोग्राम में हम दो नंबर डालेंगे और दो नंबर का सम भी बताए वो प्रोग्राम हमें, और एवरेज भी बताए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नया कॉन्सेप्ट है C++ में जिसको बोलते हैं यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन C++ और ये एक तरीके का कीवर्ड होता है C++ का। इसको जोड़ने से अपने प्रोग्राम में क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते हैं इसको, इसका सिंटेक्स है यूजिंग नेम स्पेस STD। STD का मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस लाइन को लिखने से होता क्या है, C++ की स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज कनेक्ट हो जाती है प्रोग्राम से। इसको प्रोग्राम में लिखने से क्या होता है, C++ स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी जहां पर डिफाइन है, C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी तो है, कंपाइलर जब इंस्टॉल किया तब इंस्टॉल हो जाती है, उनको हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस STD। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने हेडर फाइल जो इसमें यूज होती है iostream.h, ठीक है, वो लिख दी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दिया, यानी स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी डिफाइन हो गई हमारे प्रोग्राम में। इंट मेन लिया क्योंकि इसमें मेन का रिटर्न टाइप ऑलवेज कैसा रहता है, इंटीजर, इसलिए मैंने इंट मेन लिया यहाँ पर। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब हमने सबसे पहले डेटा टाइप में वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो डेटा टाइप लिया मैंने फ्लोट, ठीक है, यानी इसमें पॉइंट वाली ऑपरेशन हो सकते हैं। फ्लोट में पहला वेरिएबल लिया मैंने num1 यानी नंबर 1, दूसरा लिया num2, तीसरा लिया है सम, चौथा लिया एवरेज, ठीक है। ये चार चाहिए अपन को प्रोग्राम में, अगर अपन को दो संख्याओं का सम और एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मैंने सी आउट लिखा, ठीक है, सी आउट लिखने के बाद मैंने
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया और लिखा एंटर वैल्यू ऑफ नंबर्स। ये बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसा अपन इसमें लिखेंगे वैसा ही प्रिंट होके आएगा, तो वहां प्रिंट होके आएगा एंटर वैल्यू ऑफ नंबर्स। यहाँ पे अपन ने दो नंबर लिए, दोनों की वैल्यू डालने के लिए कह रहा है वो अपन से, तो दोनों की वैल्यू डलवा देते हैं इनपुट के लिए, सी इन नंबर वन सी इन नंबर टू, ठीक है। दोनों की वैल्यू डलवा दी अपन ने प्रोग्राम में। उसके बाद सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, ठीक है। यानी नम वन और नम टू जुड़ के किस में आ जाएंगे, सम में। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टू, ठीक है। जितनी भी संख्या है उनका अपॉन टू कर देते हैं तो एवरेज निकल आता है। तो अपन को सम भी निकल आया यहाँ पर, एवरेज निकल आया यहाँ पे, दोनों को प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ या किसका काम कर रहा है, सी आउट का। तो देखिए सी आउट में मैं लिखा सम इक्वल्स टू सम, सम तो ये प्रिंट होके आएगा और ये दूसरा सम हमारा ये रहा, ठीक है, स्लाइस एंड नई लाइन के लिए। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एवरेज इक्वल्स टू, यानी ऐसा कैसा प्रिंट होके आया और किस में आ रहा है एवरेज, इस में आ रहा है हमारा एवरेज। तो ये एवरेज भी हमने, तो हमारा एवरेज इक्वल्स टू एवरेज किस में आ रहा है हमारा, इसमें, तो एवरेज भी हमने प्रिंट करा दिया। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो क्यों यूज किया है, वापस दिमाग घुमाओ। हमेशा सी प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये रिटर्न 100% करेगा, तो रिटर्न जीरो हमेशा, यानी अगर मेन लिया है यूज तो रिटर्न लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है। और इसके बाद अपन, मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है काफी पुरानी, उससे अपन इसके फंडे को समझते हैं कि क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ आपसे नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, जिसमें अपन जावा के इंट्रोडक्शन और उसके बाद HTML का इंट्रोडक्शन करेंगे। तब तक लिए स्टडी आर बेस्ट ऑफ लक। देखिए दोस्तों, अपना उसका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, तो एब्स्ट्रैक्शन को हमेशा याद रखने के लिए दिमाग में रखना कि इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली इनिशियल इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको तो छुपाना और उसकी वर्किंग को, ओनली वर्किंग को दिखाना, क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपका। जैसे एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, आप एटीएम जाते हो, ठीक है, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एटीएम में जाते हो, आप एटीएम में अपना पिन डालते हो ना पिन, तो पिन डालते हो तो स्टार 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 लिखाता है या एक्स 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 लिखाता है, वहां पे पिन नहीं दिखता ना। दैट्स मीन्स क्या है, वहां पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अब तो समझ में आ गया। यानी उन्होंने क्या किया, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो तो आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करा दी और उनकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं वो छुपा ली, ठीक है। इसको देखिए, एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल और दिया मैंने, ये अपना प्रोग्रामिंग की लाइन ले ली मैंने। तो इसमें जो प्राइवेट वॉइड कार इंजन, ठीक है, फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन कार इंजन ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि प्राइवेट शब्द यहाँ पे यूज हो गया हमारे प्रोग्राम में, तो वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जहां कहीं पे भी देख रहे हैं प्राइवेट लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है, जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हैं उनको छुपा रहा है, प्राइवेट का मतलब, ठीक है। अब एटीएम के एग्जांपल से आपकी समझ में आई गया कैसे छुपाई थी इंफॉर्मेशन। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अपना नया टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की थोड़ी या पूरी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द सम स्लैश ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, थोड़ी प्रॉपर्टीज या ज्यादा प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बी ने एक्वायर कर ली, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज या पूरी प्रॉपर्टीज, जैसी जरूरत पड़ी उसने इसकी प्रॉपर्टीज ले ली। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर ले या पूरी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर ले, क्या कहलाती है, प्रोसेस इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल दिया मैंने बहुत अच्छा, देखिए
देयर इज ए क्लास, कोई क्लास है, फोर व्हीलर नाम है उस क्लास का, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं शुरू में बताया था इस वीडियो में, फोर व्हीलर में कई सारी कारें आती हैं, ठीक है। तो फोर व्हीलर नाम की भी क्लास है और इसकी सब क्लास है कार, ठीक है। तो फोर व्हीलर का मतलब क्या है, चार पहिए की गाड़ियां, उसमें कोई क्लास है कार, ठीक है। तो कार एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास फोर व्हीलर, यानी कार फोर व्हीलर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है। दोस्तों उप्स का अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना है इसको, नाम से ही याद रहेगा ये हमेशा। ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। कोई भी फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, एक से अधिक फॉर्म यानी एक से अधिक रूप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे बहुत सारे रूप हों, ठीक है, उस तो मैं क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, यानी मैं एक से अधिक रूपों में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, वेरिएबल की, फंक्शन की एक एबिलिटी है टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स, कि वो एक से अधिक फॉर्म्स में आके बिहेव करे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पेरेंट क्लास रेफरेंस, जब किसी पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज होता है चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट में, कोई पेरेंट क्लास है, ये हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इसके जो नीचे होता है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास का जो रेफरेंस है पेरेंट क्लास का, वो सेम क्लास हो रही है, तो मतलब कोई अदर क्लास के ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकते, यानी सिमिलियर क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये एक यहाँ पे भी जो पेरेंट क्लास में जो काम कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल फंक्शन, वही चाइल्ड क्लास में कर रहा है, यानी उसका अलग अलग क्लास में एक ही था वो, लेकिन अलग अलग क्लास में अलग अलग फॉर्म्स में वो काम कर रहा है, सिंपल है। इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म, इट अलाउज एन एंटिटी, ये एक एंटिटी को अलाउ करती है, सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स। वो एंटिटी क्या हो सकती है, वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स टू हैव मोर देन वन फॉर्म, उनमें एक से अधिक फॉर्म में शो करने की क्षमता, यानी कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरी क्लास में, चाइल्ड, सब क्लास, पेरेंट क्लास में वही ऑब्जेक्ट या वही फंक्शन सेम तरीके से काम कर रहा है जैसा कि वो अपनी खुद की क्लास में कर रहा था। तो वो क्या अलग अलग क्लासों में जाके उसी फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। कि इसके टाइप क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है ये दो टाइप होते हैं इसके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पे दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब होती है तब कौन सी होती है, कंपाइल टाइम, और वर्चुअल फंक्शन जब यूज होते हैं तब कौन सी होती है, रन टाइम, ठीक है। सिंपल है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग कि सर पॉलीमॉर्फिज्म को किसी अच्छे एग्जाम्पल से और बताइए, तो मैंने उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनाया है। जैसा कि डेफिनेशन क्या कह रही है, कोई भी फंक्शन, मेथोड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एक से अधिक फॉर्म में काम कर रहा है वो एक ही लेकिन अलग अलग काम करके आ रहा है, वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए अपन जानते हैं प्रिंट एफ फंक्शन से आप फैमिलियर हो, तो इस प्रिंट फंक्शन को देखिए, एक ही फंक्शन है लेकिन ये अलग अलग काम करेगा, कैसे कर रहा है, कोई प्रिंट फंक्शन है वो शेप, शेप माने आकृति के लिए यूज किया हमने प्रिंट फंक्शन को। अब आकृतियां कई टाइप की हैं, देखो सर्किल, सर्किल प्रिंट एफ, यानी प्रिंट एफ से सर्किल भी बना रहा हूं मैं, रेक्टेंगल प्रिंट, प्रिंट फंक्शन से रेक्टेंगल भी बना रहा हूं, स्टार प्रिंट फंक्शन से स्टार भी बना रहा हूं। तो प्रिंट फंक्शन तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो काम कर रहा है, तो प्रिंट फंक्शन अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग फॉर्म में काम कर रहा है, तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है, इसको इस तरीके से बताऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों सिमिलियर टॉपिक हैं एक तरीके से, वो इंफॉर्मेशन हाइड करता है, ये भी डेटा को हाइड करता है। एनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू हाइड डेटा मेंबर्स, यानी डेटा मेंबर्स को हाइड करने के लिए, फंक्शंस को हाइड करने के लिए। मीन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, यानी उसके अंदर की वर्किंग है, प्रॉपर्टीज है, मेथड्स हैं, फंक्शन है, वो तो
छुपे रहेंगे, ओनली बाहर की साइड से उसको देख सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अपना जो कैप्सूल होता है, कौन सा मेडिकल वाला कैप्सूल, जब अपन बीमार हो जाते हैं तो कैप्सूल खाते हैं ना अपन, उसी कैप्सूल की बात कर रहा हूँ। तो कैप्सूल के अंदर क्या है ये अपन को नहीं पता होता, क्योंकि वो रैपर चढ़ा हुआ होता है उस पर, कैप्सूल पर कलर हुआ होता है, तो अपन को नहीं पता। अपन को बस इतना पता है कि ये कैप्सूल है और अपन खा लेते हैं, वो अपना काम कर देता है। लेकिन उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, कौन से मेथोड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो अपन को नहीं पता होता। सेम, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है, सेम सिचुएशन इज हियर। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि कोई भी डाटा मेंबर, एनकैप्सुलेशन कैन बी यूज टू हाइड डेटा मेंबर्स, यानी डेटा के अंदर कोई भी डेटा है या वर्किंग प्रोसीजर है, उसके अंदर कौन से फंक्शन है, कौन से मेथोड है, कौन से डेटा मेंबर्स हैं, अपन को नहीं पता होता है, ना ही अपन को यूज कर सकते हैं उनको अंदर जाके। अपन सिर्फ उसकी बाहर की जो रिप्रेजेंटेशन है, आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, यानी अपन जो ऑब्जेक्ट हैं आउटसाइड के उनको एसेस कर सकते हैं, अंदर के को नहीं कर सकते।